नमस्कार। क्या आपने कभी सोचा है पानी के जहाज की स्पीड कम क्यों होती है? समुद्र में तो कोई ट्रैफिक भी नहीं होता है। आप सड़कों पर देखते हो तो हजारों ट्रैफिक होते हैं, हजारों गाड़ियां चलती है और सब कुछ चलता है और ट्रैफिक ही ट्रैफिक होता है। लेकिन समुद्र में तो कोई ट्रैफिक भी नहीं होता है, लेकिन फिर भी जो जहाज है इतना स्लो स्पीड में क्यों नहीं चलता है, फास्ट स्पीड में क्यों नहीं चलता है, कभी सोचा है आपने? इसके बारे में अपन जानेंगे। आइए देखिए, पानी के जहाज की स्पीड कम क्यों होती है। सबसे पहले आप देखिए, किसी भी चीज का इंजन, अगर किसी की चीज का इंजन तैयार होता ना, चाहे बाइक हो, चाहे कार हो, चाहे रेल हो, चाहे कोई सा भी बड़ी जो रेसिंग बाइक हो, उनका भी अगर इंजन तैयार होता है ना, तो दो चीजों पे तैयार होता है। नोट करना आप, पहला आरपीएम, ठीक है, सेकंड टॉर्क। अब आप कहोगे सर ये आरपीएम और टॉर्क क्या है, इनके आधार पे ही किसी भी चीज का इंजन तैयार होता है। देखिए आप, आरपीएम अपन अगर सरल भाषा में समझे, कि अगर अपन इसमें टेक्निकल भाषा में न जाए और बिल्कुल सीधी सिंपल भाषा में अपन समझते हैं, तो आरपीएम का मतलब होता है स्पीड, ठीक है, और टॉर्क का मतलब होता है ताकत। इन दो के आधार पर किसी भी चीज का इंजन तैयार होता है, चाहे उसके लिए कार मान लो आप, चाहे बाइक मान लो, चाहे स्कूटी मान लो, चाहे रेल मान लो, चाहे ये आपके पानी का जहाज मान लो, चाहे एरोप्लेन मान लो, चाहे हेलीकॉप्टर मान लो, या कुछ भी मान लो, इन दो चीजों के आधार पर उसका इंजन तैयार होता है। अब आप देखिए, अब इसमें एक साइंस एक काम करती है। देखिए आप, अगर आप इंजन से अधिक स्पीड जाते हो तो उसकी वजन उठाने की क्षमता कम करनी होगी, बस ये ध्यान रखना। अगर आप उस इंजन की स्पीड अधिक चाहते हो, अगर यह स्पीड तेज गति से भागे, तो उसकी जो वजन उठाने की क्षमता है ना, वो कम करनी पड़ेगी, टॉर्क की क्षमता कम करनी पड़ेगी और आरपीएम की स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, ये ध्यान रखना आप। अब ध्यान रखना, कार से लेकर बस तक का आरपीएम की स्पीड, अब ध्यान रखना, कार से लेकर बस तक की स्पीड इंजन 2000 से 4000 तक का होता है। अब आप देखिए, कार से लेकर बस तक का आरपीएम जो इंजन होता है ना, वो 2000 से 4000 तक का होता है। और क्योंकि ये इतना पावरफुल क्यों होता है, क्योंकि इन्हें वजन ज़्यादा नहीं उठाना पड़ता है। अब कार है, कार में ज़्यादा ज़्यादा कितने जने बैठते हैं, 5 सीटर कार होती है, 7 सीटर या 8 सीटर ज़्यादा से ज़्यादा, और क्या, बस में क्या है, 52 सीटर कार होगी। इनको क्या, ज़्यादा वजन उठाना नहीं पड़ता है, इसलिए ज़्यादा स्पीड पकड़ लेती है, इसलिए इसमें आरपीएम ज़्यादा होता है इंजन का, इसी कारण इनको ज्यादा वजन नहीं उठाना पड़ता है, तो इनको स्पीड अधिक दी जाती है। अब देखना आरपीएम 1000। अब लेकिन रेल का आरपीएम कितना होता है, ट्रेन का आरपीएम 1000। अब ये बस और कार से कम, बस और कार का देखिए आप, बस कार का 2000 से 4000 तक का होता है, लेकिन रेल का 1000 कम क्यों हो गया, क्यों, क्योंकि आपको पता है रेल बस और कार से ज्यादा वजन उठाती है, इसलिए इसकी टॉर्क पर ज्यादा महत्व दिया जाता है, ताकत पर, स्पीड पर कम ध्यान दिया जाता है ट्रेन की, क्योंकि ट्रेन तो बहुत ही वजन उठाती है। बहुत सारी ट्रेनें तो आपने देखी होगी, मालगाड़ी होती है, बड़े बड़े कंटेनर लेके चलती है, माल इधर से उधर ढुलाई करती है, तो उनकी स्पीड भी तो कम ही होती है ना, क्या बस और कार की जितनी स्पीड ट्रेन चल सकती है, नहीं चल सकती है। कार तो 200-250 की स्पीड से भी चलती है, बहुत बड़ी भारी भारी स्पीड पर भी चलती है, लेकिन नहीं। अब देखिए आप, कार और बस से ज़्यादा वजन उठाती है। अब देखना, पानी के जहाज का इंजन 100 आरपीएम के हिसाब से डिजाइन किया जाता है। अब देखिए आप, पानी के जहाज का इंजन रहता है ना 100 आरपीएम, अब आप देख लीजिए 2000 और 4000 बस और कार का, रेल का 1000 और जहाज का सिर्फ 100 आरपीएम, क्यों किया जाता है ऐसा, क्यों, क्योंकि आपको पता है जहाज एक चलते फिरते शहर होते हैं, क्योंकि जहाज बस कार रेल से ज्यादा वजन उठाता है। आपने देखा है बस कितना वजन उठा लेती, कार कितना उठा लेती और रेल कितना उठा लेती, लेकिन जहाज का स्पीड पर फोकस नहीं किया जाता है, जहाज का टॉर्क पर फोकस किया जाता है, क्यों, क्योंकि उस जहाज को ताकत चाहिए। जहाज एक चलता फिरता शहर होता है, जहाज में आप देखो तो बड़े बड़े माल की भी ढुलाई होती है, बड़े बड़े कंटेनर होते हैं, बड़े बड़े स्विमिंग पूल होते हैं, बड़े बड़े अंदर गार्डन होते हैं, यहाँ तक कि फुटबॉल और क्रिकेट के गेम के
ग्राउंड तक भी होते हैं, हजार हजार कमरे तक होते हैं उनमें, जहाज में। एक आप यू कह सकते हो एक चलता फिरता है शहर होता है, तो उसमें कितना वजन उठाना पड़ता है उस जहाज को। तो उस वक्त स्पीड पर फोकस नहीं किया जाता है, उस वक्त टॉर्क पर फोकस किया जाता है, यानी ताकत, यानी जहाज कितना वजन उठा सके। इसीलिए पानी में जहाज बहुत ही धीमी गति से चलते हैं। क्यों? क्योंकि उनको हजारों टन का वजन उठाना पड़ता है, उनको स्पीड पर फोकस नहीं दिया जाता है। भले ही समुद्र में कोई ट्रैफिक न हो, भले वह अकेला जहाज चल रहा हो, बस उनका फोकस वजन उठाने पर होता है, ना कि स्पीड पर होता है। इसी के साथ आज यही मेरा वीडियो, अगर आपको पसंद आए लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे, और ऐसे नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए आगे भी लाता रहूँगा।